एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स विद हाउसवाइफ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये देखिए, मेरे पास ये प्लास्टिक का कंटेनर है जो कि बिल्कुल वेस्ट है, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया था। और ये मेरे पास में मेकअप ब्रशेस हैं जो कि मेरी शादी के हैं, जिनका यूज़ मैंने आज तक कभी भी नहीं किया है क्योंकि मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसके जो ब्रश थे वो मैंने निकाल दिए हैं और इसके हैंडल्स को मैंने रख लिया है। ये काफ़ी दिन से मेरे पास पड़े हुए थे, तो आज हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने बॉक्स में लगा दिया है रिफाइंड ऑयल। आपको आगे पता चलेगा कि मैंने रिफाइंड ऑयल क्यों लगाया है, तो आप इस तरह से अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगा दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ली हुई है जेके सीमेंट की वॉल पुट्टी, तो आप किसी भी ब्रांड का वॉल पुट्टी ले सकते हैं। ये मुझे जेके सीमेंट की 35 रुपीज़ में मिल गई थी वॉल पुट्टी। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा इसमें, एक बार में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा। आपको इसका घोल बनाना है, ना ज़्यादा पतला करिएगा ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, मतलब गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, आपका घोल इस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पे हम कंटेनर में डाल देंगे और अच्छे से हिला लीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए बराबर में। और यहाँ पे हम ब्रश के हैंडल को लगा देंगे, सेट कर देंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और देखेंगे नेक्स्ट डे ये निकलता है या नहीं, कैसा बनता है। तो ये देखिए, मुझे लगता है ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और आसानी से निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये बहुत ही ईजली निकल गया है। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा सा मिनी टेबल। तो ये मैं बहुत दिन से बनाने के लिए सोच रही थी बट बना नहीं पा रही थी, तो फाइनली मैंने बना लिया आज। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने रेगमाल से इसको क्लीन कर दिया है। आप जब भी रेगमाल से वर्क करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आप मास्क ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि हार्म करते हैं, जिनको पाउडर से या धूल मिट्टी या किसी चीज़ों से पाउडर से एलर्जी हो, स्पेशली उनके लिए है कि वो मास्क ज़रूर लगाएंगे, उसके बाद ही आप रेगमाल का काम करिएगा। और वैसे भी जब भी इस तरह के पाउडर्स का यूज़ कर, आप जो भी यूज़ करें, आप उसमें मास्क ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया हुआ है और उसके पहले मैंने प्राइमर लगा दिया था इस पर। आप जस्ट वाइट एक्रेलिक कलर से इसके बेस को पहले कलर कर लीजिएगा, देन उसके बाद में आप एक्रेलिक कलर से इस तरीके से कलर करके आप जो भी डिज़ाइन या पैटर्न बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। तो मैं ऐसा ही इसमें पैटर्न बनाना चाहती थी, तो ये पैटर्न बहुत ईजी है जो कि कोई भी बना सकता है। तो जो बिगनर्स हैं वो चाहें तो इसमें ड्रॉ कर लें पहले पेंसिल से, देन उसके बाद ही इस तरह से कलरिंग करना स्टार्ट करें। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। तो इस तरह से आप वॉल पुट्टी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी देखिए लाइट जा चुकी है और बाहर बहुत ही आंधी तूफान आ रहा है, बट मैं इसको कंप्लीट करके ही उठूंगी आज। बाहर शाम के 5 बज रहे हैं। तो फाइनली ये कलर हो चुका है और ये इस तरह से लग रहा है। मैंने इसकी जो स्टिक है नीचे की, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे यही कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया है इसको।
और ऊपर में डिज़ाइन कर दी थी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से आप अपने घर को छोटे मिनी टेबल से डेकोरेट कर सकते हैं। ये पॉट भी मैंने नेल पॉलिश से और वॉल पुट्टी से बनाया हुआ था, तो जिसका मैंने यूज़ किया है। और हम सेकेंड बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं इससे क्या बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल पुट्टी बचा हुआ था उसका घोल, तो यहाँ पे मैंने एक टॉवल ली है छोटी सी, उसको इस तरह से अच्छे से वॉल पुट्टी में पूरे में लगा दीजिएगा। ध्यान रहे कि पूरे में आप टॉवल में आपके वॉल पुट्टी लगी होनी चाहिए। और इसके बाद मैंने ग्लास लिया हुआ है, उस पर रिफाइंड लगाया हुआ है और इस तरीके से टॉवल को डाल दिया है और अच्छे से आप वॉल पुट्टी लगा दीजिएगा। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तभी आप निकालिएगा। जब भी आप वॉल पुट्टी का वर्क करते हैं तो ड्राई होने के बाद ही निकालिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा। और यहाँ पे मैंने प्राइमर का यूज़ किया हुआ है और अब ये ड्राई हो चुका है। और मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर का यूज़ किया क्योंकि मुझे ग्रे कलर का फ्लावर पॉट चाहिए था, तो ग्रे कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने यहाँ पर इसी कलर का यूज़ किया है। तो कहीं पे मैंने ब्लैक और कहीं पे मैंने वाइट वाइट का इसमें टच दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रे कलर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ग्रे कलर दिख रहा है आपको। जहाँ जहाँ पे ये फ्लैट ब्रश नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ वहाँ पे आप राउंड ब्रश के 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरे में कलर कर देना है। आपको जो भी कलर पसंद होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसी तरह से अंदर में मैंने सिर्फ ब्लैक कलर से ही किया हुआ है कलर। ये देखिए अभी ये इस तरह से लग रहा है, तो ये बिल्कुल ग्रे कलर का लग रहा है। ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा था बट मैंने थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे पर्ल का गोल्डन मेरे पास कलर था तो यहाँ पे मैंने उसका यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने गोल्डन से टच दे दिया है थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से और थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे भी। तो ये इस तरह से लग रहा है। और अभी यहाँ पर मैं पर्ल का ही ये सिल्वर कलर है जिसको मैं इस तरह से कहीं कहीं पे इसे टच दे दूंगी और अंदर की तरफ भी दे दूंगी ताकि अंदर में भी अच्छा लगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अंदर करना चाहते हो सिल्वर कलर से तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्लावर पॉट, तो ये इस तरह से लग रहा है और ये अभी कंप्लीट हो चुका है और फाइनली ये तरह से दिख रहा है। तो आप भी इस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं वॉल पुट्टी का वर्क करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।